हरियाणा में इस बार कम बारिश होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में गोहाना के गांव कतूरा में कानौर ब्रांच नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने गोहाना महम रोड पर जाम लगा दिया। नाराज किसानों का कहना है कि नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आने से उनकी धान समेत अन्य फसलें खराब हो रही हैं। वहीं जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए किसानों को समझाने का प्रयास करने लगे। गांव कथूरा है जी, यू याड़ा बस दो जगह पानी है, ज्यादा पसीने में यू माथा पानी आ रहा है, और चाहे रोड फूट रहे इनमें गोटिया गोटिया पानी बस याड़ा है, ना तो खेता में पानी ना ट्यूबवेल पानी ठारी, बस एसडीएम साहब आओ, एक्शन साहब आओ, बस नू नू कह दे पानी आओगा, पर वो पानी ना दानदा और ना वो आओ है, हमने इतना बेरा है, पीने का पानी भी मारा नहीं आ रहा है। सचिन नाम है, फसलें भी खराब हो रही है। जमा फसल कती पहले तो प्योद थी, वो प्योद खराब होने लग रही, दोबारा प्योद के जैसे तैसे करके अपने खेत क्यों करे पाड़े हैं, ई वो जो धान लगा रखे थे वो खराब होने लग रही, वह फसल बिल्कुल खराब होने लग रही है, पानी कती नहीं आ रहा। देखिए ये कथूरा गांव में जो कन और ब्रांच है, नहर जाती है, उस नहर का पानी पूरे हफ्ते नहीं चला जा रहा। जो बृहस्पतिवार शुक्रवार इतवार के जो ओसरे हैं वो सूखे रह जाए हैं, तीन दिन पानी चला दे हैं। जे साहब मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन के व्यक्ति मौके पर पहुंचे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि सोमवार से 19 तारीख से हम इसको चला देंगे। देखो बड़ी सोचने की बात तो यह है, जाम वर्तमान में लाग रहा है, अभी फिलहाल लाग रहा है, तो इबी भी वो नू नहीं कह रहे भाई इब्बा करवा देंगे तारी समस्या का समाधान, तो हम गलत बात नहीं कह रहे, कोई नाजायज मांग नहीं है तारी, लेकिन वो भी कह रहे हैं सोमवार तक, लेकिन हमने फिर भी हम उस बात पर भी कोऑपरेट करना तैयार हैं। अगर कोई इरीगेशन डिपार्टमेंट का ठोस अधिकारी हमारे बीच में आकर ये कहता है अगर भाई हम सोमवार तक निश्चित तौर पर तारी नहर चालेगी और अगला सोमवार तक चालेगी, पूरा हफ्ता नहर चालेगी, तो हम निश्चित तौर पर हम खोलने तैयार हैं। हम भी प्रशासन को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और प्रशासन से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कोऑपरेट कर। वहीं विधायक जयवीर वाल्मीकि ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि कई महीनों से गांव कथूरा में एक ही दिन पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते कई एकड़ फसलें सूख गई हैं। ऊपर से किसानों को परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उनकी मदद करें, न कि उनकी परेशानियां बढ़ाएं। देखिए मेरे पास सूचना आई थी, क्योंकि मेरा गाँव भी है तो लगाव तो होता ही है, तो मेरे पास सूचना आई थी भाई नहरी पानी कई दिन से नहीं आ रहा, जबकि इनका हक बनता है, तो उसके लिए आज इन लोगों ने मजबूर होकर आज सड़कों पे खड़ा होना पड़ा, और ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। अब किसान रोड पे आता है, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है कि भाई किसान को समय पर पानी दे। किसान इतनी उससे तो फसल तैयार करता है, कितनी महंगी कितने खर्च होते फसलों पे, और समय पर पानी नहीं मिले, एक तो कुदरत की मार, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, तो दूसरा सब सरकार पानी नहीं दे रही, तो ये कहीं ना कहीं जाती है किसान के साथ। और मैं बताना चाहूँगा चुनाव का विभिन्न बस क्या है, किसान मजदूर गरीब आदमी कर्मचारी इस बात का डटकर बदला लेंगे और इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। यही कहना है कि हर जगह पर पानी की है ना, इस टाइम पर शॉर्टेज चल रही है, बरसात हुई नहीं है, बरसात ना होने की वजह से शॉर्टेज है। हमारे तीन सिस्टम है, सुंदर उस तरफ हो गया, भिवानी सब ब्रांच और कानौर, कानौर में अभी पानी चल रहा था, इसके सारे वाटर टैंक फुल हो चुके थे, इसके बाद में बोंद डिवीजन के सारे खाली पड़े थे, जो कि भिवानी सब ब्रांच के थ्रू पानी जाता है, तो उस तरफ पानी को डाइवर्ट किया गया था, अभी इनकी ग्रेवेंस थी जो उसको बता दिया था, परसों फिर से पानी आया। वहीं इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगे से ही पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, हम भी किसानों की मदद करने में असमर्थ हैं, उम्मीद है कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बहरहाल अब किसानों की समस्या कब तक सुलझ पाती है ये देखने वाली बात होगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।